हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय और आप देख रहे हैं हिंदी टेक्निकल न्यूज़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मोबाइल में आप जो भी फोटोज, वीडियोस या कोई भी डॉक्यूमेंट्स सेव करके रखते हैं, धीरे धीरे वहां पे बहुत सारी फाइल्स जम जाती है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां से आपको शॉर्टलिस्ट करना भी मुश्किल हो जाता है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नॉन इंपॉर्टेंट है। और हर रोज डिलीट करते बैठने में भी झंझट होती है और ढूंढने में भी परेशानी होती है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी इंपॉर्टेंट फोटोज, वीडियोज और डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन गूगल ड्राइव पे कैसे सेव करके रख सकते हैं और जब आपको जरूरत हो तब आप वहां से कैसे डाउनलोड करते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले जाना होगा गूगल ड्राइव में। मैं दिखाता हूं, ये देखिए गूगल नाम का एक ऑप्शन आपके मोबाइल में है, उसे क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद आपको ये ड्राइव नाम का ऑप्शन दिखता है, उसे क्लिक कर देता हूँ। अभी क्लिक करने के बाद ये खुल रहा है, ये खुल गया। देखो, मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेव करके रखे हैं, मुझे जब भी चाहे मैं यहाँ से डाउनलोड करके ले सकता हूँ। तो आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट सेव करके रखना है ऑनलाइन, तो ये प्लस का जो आइकॉन नीचे दिया है उसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए अपलोड नाम का ऑप्शन आ जाता है, इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद लेफ्ट साइड में जो आपको माय ड्राइव नाम का ऑप्शन ऊपर के साइड में दिखाई देता है, उसे क्लिक करना है। उसे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे गूगल, मेरे तीन अकाउंट है तो इसलिए मैंने तीन गूगल ड्राइव मुझे ये बता रहा है। आपका जो भी अकाउंट है अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए। अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे गैलरी नाम का ऑप्शन आपको नीचे दिख रहा है, तो गैलरी में चले जाइए। जाने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट, फ़ोटो या वीडियोस है उसे सेलेक्ट कर दीजिए। मैं एक वीडियो, एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ और देखिए ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो रहा है। टू अपलोड मैसेज आया है और देखिए ये फोटो देखिए यहाँ पे सेव हो चुका है। अब अगर मेरा इंटरनल मेमोरी स्पेस या सिम कार्ड में मेमोरी कम है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसे डिलीट कर दिया। अभी इसे डिलीट करने के बाद अगर मुझे कुछ दिनों के बाद ये इमेज फिर से चाहिए तो मैं जाऊँगा फिर से गूगल ड्राइव में। गूगल ड्राइव में जाने के बाद देखिए मैं यहाँ पे उसे सर्च करूँगा, यहाँ पे मिल गई है और यहाँ से मैं फिर से उसे डाउनलोड कर लूँगा। ओके, डाउनलोड होने के बाद देखते हैं डाउनलोड हो चुकी है या नहीं। गैलरी में जाता हूँ, देखिए दोस्तों यह फ़ोटो फिर से डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह आप अपने फोटोज, वीडियोज या डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सेव करके सेफली रख सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद तो जरूर आया होगा, तो एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता ही है। साथ में आप इस वीडियो को सोशल मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर जरूर कर सकते हैं और जरूर कर देना। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद एक घंटे का सिंबल आएगा, उसे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मिल सके यहाँ पे आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल फ्री।